यात्री मुमलिकत का दस्तखत से इनकार, अदालती इश्तेहार को नजरसानी के लिए वापस भेज दिया। डॉक्टर आरिफ अंदी कहते हैं बादी अलनजर ने बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है, उसे कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है। सदर मुमलिकत के इकदाम की हिमायत, बिल वापस भेजने का अमल दुरुस्त करा। 342 के ऐवान में 42 सरकार ने करारदाद पर दस्तखत किए, ये सब नाअहल होने वाले हैं। फवाद हुसैन चौधरी और हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजीर आजम शहबाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा। पार्लियामेंट के करारदाद आइन के मुनाफी करार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का बयान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। कौमी असेंबली ने आर्टिकल 68 की खुला खिलाफ वर्जी की है। लार्जर बेंच के फैसले पर एतराज, लार्जर बेंच ने जल्दबाजी में समाप्त करके फैसला जारी किया। 6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं, जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तलाफी नोट जारी। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक हिकमत अमली और कानूनी मुशावरत पर बात होगी। वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीफ करेगी। नवे दिन में तो पंजाब के इलेक्शन नहीं हो सकते, वफाकी वजीर दाखिला राणा सना कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म ही मौजूद ही नहीं, तो फिर किस फैसले की पैरवी की जाए। अगर कोई शक व शुबा था तो जस्टिस अतर मिनुल्ला ने तफसीली फैसला दिया, सारी बात वाज़ह हो चुकी। कौमी सलामती के इदारों से मुतालिक अवाम में जहर खोला जा रहा है। दिफा पाकिस्तान कौंसिल का एलामिया, गैर मुल्की एजेंट खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, रहनुमाओं का खिताब। काफ लीगी रहनुमा इफ्तिखार अहमद साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल, सेंट्रल पंजाब की सदर यास्मीन राशिद से मुलाकात, पार्टी मफलर पहना दिया गया। वजीर आजम की हसास इदारों को BNA के बानी गिरफ्तार पर मुबारकबाद। समाजी राबते की वेबसाइट पर शहबाज शरीफ ने लिखा कि ये ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशावराना महारत का मुंह बोला सबूत है। गुलिस्तान जौहर पुलिस की हसास इदारे के हमरा बड़ी कार्रवाई, बड़े डॉक्टर के दो टारगेट किलर्स गिरफ्तार, 2 TT पिस्तौल बरामद, डॉक्टर के कत्ल की सुपारी दुबई से 9 लाख रुपए में दी गई थी, मुलजिमान का इंकशाफ। नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक बाबा मोड़ के करीब मुलजिमान शहरियों को लूट कर फरार हो रहे थे। अवेस राशिद और जिशान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और छीना हुआ सामान बरामद। तमाम अहम फैसलों और अहम मोड़ से गुजर रही है MKM पाकिस्तान, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमारे वोटों को सही ना गिना गया तो तोलना पड़ेगा। चिड़ियाघर कराची में नूर जहां तेजी से सेहतयाब होने लगी। जानवरों के तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल 7 रुकनी टीम ने हथनी का कामयाब ऑपरेशन किया था। चंद रोज बाद नूर जहां और मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। कराची में गुज़िश्ता 2 रोज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा, गवादर के करीब समंदर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह करार। मौसमियाती तज़ियाकार के मुताबिक शहर कायद में ईद के दिनों में मौसम मुअत्तदल रहेगा। पटियाला घराने के क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली खां को मद्दाहों से बिछड़े 16 साल हो गए, उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी अता किया गया। मेरा नाम
सुख सने भले और हॉलीवुड एक्शन मूवी एक्सट्रैक्शन 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 16 जून को सिनेमा घरों में तहलका मचाने आ रही है।